दोस्तों ये सॉन्ग कहे या फिर भजन हाल ही में काफी ज्यादा वायरल हुआ है। साथ ही इसके साथ एक कॉन्ट्रोवर्सी भी देखने को मिली है जिसे सभी कॉपीड सॉन्ग कह रहे हैं। और आज हम इसी बात की पड़ताल करेंगे कि ये भजन आखिर किसने गाया और किसने इसे कॉपी करा है अपने व्यूज और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए। तो बने रहे वीडियो में अंत तक। दोस्तों हर हर शंभू शंभू महादेवा, इस भजन को लेकर इंटरनेट पर जो माथापच्ची हो रही है उसे आपने तो देखा ही होगा कि ये गाना बन भी गया, फेमस भी हो गया। पर ये गाना किसने गाया, किसने चुराया और कब गाया, जहाँ हर किसी के अलग अलग ओपिनियंस है। किसी का कहना है कि फरमानी नाज नाम की एक मुस्लिम महिला ने इस गाने को गाया है, तो कई लोग ये भी कहते हैं कि अभिलिप्सा पांडा नाम की एक ओडिशा की लड़की ने इसे गाया है। और इसी बीच एक विदेशी महिला का भी नाम सामने आ रहा है कि अच्युता गोपी नाम की विदेशी मूल की हिंदू महिला ने भी इसे गाया है। जहाँ ये गाना कहे या फिर भजन की कहानी, इन तीनों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। पर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन है असली क्रिएटर, इसलिए हम पहुंच गए सभी सवालों को जवाब देने वाले हमारे YouTube बाबा के पास, जहां इन सभी ने अपने इस गाने को अपलोड किया था। जहां पर पहला सबूत मिलता है डेट जब ये गाना YouTube पर अपलोड किया गया था। जब हमें इन दोनों की YouTube चैनल्स पर जाकर रिसर्च की तब हमें ये पता चला कि जो अभिलिप्सा पांडा का YouTube चैनल है जिसका नाम है जीतू शर्मा, वहाँ पे ये वीडियो 5 मई 2022 को अपलोड किया गया था। वही फरमानी नाज जिनके YouTube चैनल का नाम फरमानी नाज सिंगर है, यहाँ पर इस भजन को 2 महीनों बाद यानी कि 24 जुलाई 2022 को अपलोड किया गया था। जहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है और ये साबित होता है कि फरमानी नाज ने इस सॉन्ग को कॉपी किया था, वो भी अभिलिप्सा पांडे के चैनल से। पर जरा रुकिए, इन सभी में एक मिस्ट्री है कि अच्युता गोपी का क्या। तो इनके ग्रुप का भी एक YouTube चैनल है जिसका नाम है राधेश मेलोस, और यहाँ पर 2019 में एक भजन को अपलोड किया गया था जो कि 22 मिनट का था, जहाँ इन्होंने कुछ इस तरह का भजन गाया था। भजमाना राधे 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 गोविंदा राधे राधे, जो कि वीडियो में 15वें मिनट से शुरू होता है। इसकी धुन और हर हर शंभू इस भजन की धुन बिल्कुल सेम है। इससे ये साबित होता है कि पहले इस धुन को गाया और बनाया अच्युता गोपी ने 5 मार्च 2019 में, जिस धुन को जोड़कर और अपने बोल डालकर हर हर शंभू महादेवा सॉन्ग बनाया अभिलिप्सा पांडा ने 5 मार्च 2022 को इसे अपलोड भी किया। बाद में पूरे ही भजन को फरमानी नाज ने कॉपी कर लिया और इस भजन को फेमस होता देख पूरा ही चेप दिया 24 जुलाई 2022 को फरमानी नाज ने, जिससे ये साफ होता है कि इस भजन को गाया है अभिलिप्सा पांडा ने। पर अभिलिप्सा पांडा ने बोल अपने लगाकर हालांकि धुन तो दूसरे की ही यूज की है, पर ओरिजिनल सॉन्ग इन्हीं का ही है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।